हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यामाहा MT-15 पे जो कलर वेरिएंट को लेकर अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस बाइक से रिलेटेड टोटल 6 पॉइंट होने वाले हैं, तो पॉइंट वाइज सारे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट पॉइंट होगा ऑल न्यू 11 कलर्स वेरियंट ऑफ यामाहा MT-15। सेकेंड पॉइंट, न्यू कलर वेरियंट का प्राइस क्या होगा और न्यू कलर वेरियंट और ओल्ड कलर वेरियंट में कितना प्राइस का डिफरेंट होने वाला है। थर्ड पॉइंट, हम यामाहा MT-15 के न्यू कलर्स या न्यू कलर्स कस्टमाइज कॉम्बिनेशन बाइक को कैसे ले सकते हैं या कैसे बुक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा, न्यू कलर वेरिएंट की डिलीवरी कब से स्टार्ट होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट है, जिनके पास पहले से यामाहा MT-15 है वो क्या कर सकते हैं अगर वो भी अपनी MT-15 को कलर कॉम्बिनेशन के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल उनके पास क्या ऑप्शन। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा यामाहा MT-15 के कुछ स्पेक्स। तो चलिए अब हम इन पॉइंट्स पे डिटेल्स में बात कर लेते। फर्स्ट पॉइंट, ऑल न्यू 11 कलर्स वेरिएंट। यामाहा ने 22 नवंबर 2020 को मतलब कल संडे को 11 न्यू कलर कॉम्बिनेशन को लॉन्च किया है। पहले यामाहा MT-15 में 3 कलर वेरिएंट आते थे, मेटालिक ब्लैक, डार्क मेट ब्लू एंड थर्ड आइस ब्लू वर्मिलियन। ये 3 कलर स्टैंडर्ड कलर होते हैं जो अब भी अवेलेबल है आपके नज़दीकी डीलर शॉप पे और ये अभी भी कंटिन्यू चलेंगे। तो न्यू 11 कलर एंड 3 स्टैंडर्ड कलर को मिला के टोटल 14 कलर होते हैं। तो अब आपको 14 कलर्स में यामाहा MT-15 देखने को मिलेगा। ये न्यू 11 कलर को यामाहा ने CYW नाम दिया है, जिसका मतलब कस्टमाइज योर वॉरियर है। इसमें आपको 3 बॉडी कलर ऑप्शन मिलता है, डार्क मेट ब्लू, मेटेलिक ब्लैक, आइस ब्लू, और 4 व्हील्स कलर मिलते हैं जिसमें है वर्मिलियन, गोल्ड, रेसिंग ब्लू, नियॉन ग्रीन। इन सब कलर में से आप जो चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, 3 बॉडी कलर और 4 व्हील्स कलर। आप जिस हिसाब से भी अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमने डार्क मेट ब्लू बॉडी कलर चूज़ किया और व्हील्स कलर में वर्मिलियन चूज किया, तो कुछ इस तरह से बाइक देखने में लग रही है। सेम चीज़ आप सारे कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जो भी व्हील्स कलर को चूज़ करेंगे वही आपका पेट्रोल टैंक पे ग्राफिक्स उसी कलर का ही मिलेगा, जो कि इसको और प्रीमियम लुक देता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कलर वेरिएंट को लेकर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू कलर प्राइस डिफरेंट। पहले हम ओल्ड कलर वेरिएंट के प्राइस जान लेते हैं। यामाहा MT-15 में 3 कलर स्टैंडर्ड वेरिएंट में आते थे, मेटेलिक ब्लैक जिसका प्राइस 1,39,900 रुपये है, सेकंड डार्क मेट ब्लू इसका भी प्राइस सेम है 1,39,900 रुपये, आइस ब्लू वर्मिलियन का प्राइस है 1,40,900 रुपये है। मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड में 3 मॉडल आते हैं, मेटेलिक ब्लैक, डार्क मेट ब्लू, आइस ब्लू, तो इनमें से कॉस्टली इनका है आइस ब्लू वर्मिलियन जो 1,000 ज़्यादा है मेटेलिक ब्लैक और डार्क मेट ब्लू से स्टैंडर्ड कलर वेरिएंट में भी। तो ये जो प्राइस है ये दिल्ली के एक शोरूम प्राइस हुए। अब अगर न्यू 11 कलर्स वेरिएंट की प्राइस की बात की जाए तो कंपनी ने इसका प्राइस फिक्स रखा है, चाहे आप कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन लो। न्यू प्राइस है 1,43,900 रुपये, जो कि ओल्ड आइस ब्लू वर्मिलियन से 3,000 ज़्यादा है और डार्क मेट ब्लू और मेटेलिक ब्लैक से 4,000 ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है, यामाहा MT-15 को कैसे ले सकते हैं या कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी यामाहा MT-15 के न्यू कलर वेरिएंट वाले बाइक को लेना चाहते हैं तो आपको यामाहा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बुक करना होगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर आप यामाहा MT-15 के जो कलर्स वेरिएंट है उसको देखना चाहते हैं या आप बुक भी करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ वो सारा प्रोसेस क्या है, आप कैसे देख सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो नेट ऑन करना होगा, एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल में आप नेट ऑन कर देंगे। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आप देखिए यहाँ पर मेरा क्रोम ब्राउज़र है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है और यहाँ सर्च में जाके आपको यामाहा मोटर इंडिया लिख कर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रंट में ही आ गया है यामाहा मोटर इंडिया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप देख रहे हैं कस्टमाइज योर वॉरियर इस तरह का है। तो ऊपर आप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे अच्छा होगा कि आपका डेस्कटॉप पे जिस तरह का पेज ओपन होता है उस तरह का ओपन होगा और आपको इसका जो पेज है फ्रंट है उसको आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से इसमें आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में ही ये यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस पर क्लिक करके डायरेक्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे MT-15 का लोगो आया हुआ है बाइक का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है MT-15 CYW, इस पर आपको जाना है। ये आप जो देख रहे हैं MT-15, ये हो गया स्टैंडर्ड कलर का जो वेरिएंट है, 3 मॉडल आते हैं, ये वाला वो हो गया,
और यहाँ MT15 CYV कस्टम योर वॉरियर ये है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके अब जो 11 न्यू कलर आया है उसके बारे में आप यहाँ पे फुल डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये तो आ जा रहा कस्टम योर वॉरियर, कस्टमाइज योर वॉरियर। स्टेप वन में आपको ये 3 बॉडी कलर मिलते हैं, डार्क मेट ब्लू, मेटेलिक ब्लैक और आइस ब्लू। और ये स्टेप टू में ये व्हील्स का कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। और इसका जो एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस पड़ रहा है जो न्यू कलर वेरिएंट में, उसका 1,43,900 रुपये पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। अब बुक करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया भी गया है, तो इसको मैं हटाता हूँ। तो अगर आपको कोई भी कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ से देखिए, जैसे हमने ये डार्क मेट ब्लू चूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे बर्मिनो है, तो यहाँ पे बर्मिलियन का यहाँ पे व्हील्स में कलर आया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप पेट्रोल टैंक पे भी देखेंगे कि बर्मिलियन कलर का ही लोगो भी यहाँ पे आया हुआ है, और MT15 में भी सेम वही लोगो है उसी कलर का, बर्मिलियन टाइप कलर का। तो दूसरा भी कलर हम चेंज करते हैं, डार्क मेट ब्लू ही रहने देते स्टेप वन में, और स्टेप टू में हम व्हील्स का जो साइड, ये स्टेप वन में जो बॉडी कलर है वही रहने देते हैं, और जो यहाँ पे स्टेप टू में है व्हील्स का उसको हम गोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड में चेंज हो गया, और यहाँ पे या पेट्रोल टैंक के ऊपर भी लोगो चेंज हो गया, और यहाँ Yamaha 15 का भी लोगो का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिंग ब्लू करने पे आपका देखिए रेसिंग ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे नियोन ग्रीन करने से भी देखिए यहाँ पे नियोन ग्रीन आ गया। तो इसी तरीके से आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक और नियोन ग्रीन, और आइस ब्लू है तो आइस ब्लू नियोन ग्रीन। इस तरीके से आप कोई सा भी कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे डार्क मेट ब्लू और मेटेलिक ब्लैक में जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे डार्क मेट ब्लू कीजिए तो व्हील्स में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी डार्क मेटेलिक ब्लैक में भी आप अगर चूज़ करते तो आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। बट अगर आप आइस ब्लू में ऑप्शन पे क्लिक करते तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, जबकि पहले 4 थे। तो इसमें से बर्मिलियन जो कलर है वो हट जाता है जब आप आइस ब्लू ऑप्शन पे चूज़ करते हैं बॉडी कलर। जब आइस ब्लू ऑप्शन चूज़ करेंगे तो बर्मिलियन जो कलर है वो हट जाएगा, आपको 3 कलर ही देखने को मिलेगा, गोल्ड, रेसिंग ब्लू और नियोन ग्रीन। तो इस तरीके से आप इसको कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको बुक नाउ पे क्लिक करके इसको बुक भी कर सकते हैं, और इसका आपका नया इंटरफेस खुल जाएगा। और इस तरीके से तो यहाँ पे मैं फिर से इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देता हूँ, पेज अच्छे से ओपन दिखाई देगा, एक प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे भी 11 और कलर भी शो कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए बुकिंग अमाउंट जो है 5,000 का बुकिंग अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको अपना नियरेस्ट चूज़ यामा स्टोर नियर यू, आपको जो नज़दीक का है वो आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से। जैसे मेरा वेस्ट बंगाल यहाँ पे कर देता हूँ, सिटी में यहाँ पे मैं आसनसोल कर देता हूँ, और सेलेक्ट डीलरशिप में आपको यहाँ पे VR इंटरप्राइज जो आसनसोल में यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस 1,43,900 रुपये। आप कोई सभी कलर को चूज़ करते तो उसका यही होगा, RTO चार्ज 13,841, इंश्योरेंस वगैरह ये सारा हटा के ऑन रोड ये है, तो ये थोड़ा इंश्योरेंस चार्ज वगैरह लग के और भी होगा। पर जो इसी तरीके से आपको बुक करना है, 5,000 आपको अमाउंट लगेगा, और यहाँ से आपको बुक नाउ कर देना है। तो मैं अभी छोटा करके इसको बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। और दोस्तों ये जो बुकिंग अमाउंट है 5,000 रुपये, वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। जब आप अभी बुक कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पे लिखा भी है, द बुकिंग अमाउंट शुड बी पेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो ये आपको उसी टाइम बुकिंग करना होगा, उसके बाद जब आप ऑर्डर बुक कर देंगे उसके बाद आपको जो नियरेस्ट आपका डीलरशिप है या शोरूम है वहाँ पे जाके आपको बाइक का फुल पेमेंट करना होगा। और ये जो बुकिंग अमाउंट है 5,000, और अगर आपको बाइक लेना है तो आपको पहले फुल पेमेंट करना होगा डीलरशिप में जाके, जो आपका नज़दीकी शोरूम है वहाँ पे जाके आपको तो ऑनलाइन 5,000 का पेमेंट करना है, पर जब आप डीलर पे जाएंगे, शोरूम पे जाएंगे, तो वहाँ पे फुल पेमेंट करना होगा।
तभी ये कन्फर्म हो के बाइक वहाँ से आपको जिस कलर कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए वो डिलीवर कर दिया जाएगा आपके नज़दीकी शोरूम में। तो ये सारा प्रोसेस है, ये नहीं कि आप सिर्फ 5,000 दिए तो आपका बाइक शोरूम में आके खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुल पेमेंट जाके नेक्स्ट जो पेमेंट है 5,000 देने के बाद, तो वो आपको जाके शोरूम में पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही इसका जो बाइक का डिलीवरी है वो आपको शोरूम में कर दिया जाएगा। और इसकी जो डिलीवरी है वो 2021 से होने वाली है, जनवरी के मंथ से, जो 2021 जनवरी के मंथ से इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कैसा कुछ आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट का दिखा रहा है कि मैंने आइस फ्लू एंड गोल्ड को ऑप्शन को चूज़ किया, MT15 में 5,000 का मेरा पेमेंट का है। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे टिक मार के चेकआउट करना है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ फिर से। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर दे के डीलर का नेम आ जा रहा है और डीलर का एड्रेस भी आ जा रहा है, और यहाँ से आप शेड्यूल योर विजिट यामा डीलरशिप में आप यहाँ से अपने हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे देंगे, और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस वगैरह सिटी पिन कोड यहाँ से देख के आप कंटिन्यू पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अभी नहीं लेना है, तो जिनको लेना है वो इस प्रोसेस के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इस बाइक की डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी डिलीवरी जनवरी 2021 से न्यू ईयर में स्टार्ट होगी। तो अगर आप अभी इस बाइक को बुक करते हैं तो आपको नए साल 2021 में जनवरी में ये बाइक डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो इसका न्यून ग्रीन येलो व्हील का कलर वाला मॉडल है वो बाइक आपको मार्च 2021 से डिलीवर होगा। तो आप बुक करने के टाइम जो एड्रेस देंगे वो प्रॉपर सही तरीके से दीजिएगा, जहाँ पे आपका नियरेस्ट डीलरशिप या शोरूम पड़े, क्योंकि उसी एड्रेस पे ये बाइक आपको डिलीवर किया जाएगा। आपके घर के एड्रेस पे नहीं आएगा, ये आपके नज़दीकी शोरूम पे डिलीवर किया जाएगा। तो जब भी आप बुकिंग करने के टाइम एड्रेस देंगे तो वो आप प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा, और जो बुकिंग अमाउंट है वो तो आपको 5,000 करना है, बाकी का अमाउंट आपको शोरूम में जाके करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिफ्थ पॉइंट है, जिनके पास पहले से MT15 है या जिन्होंने यामा MT15 खरीद लिया है, वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने बाइक को न्यू कलर में अपग्रेड करें, तो वो क्या करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक यामा ने इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट या न्यूज़ नहीं दिया है, बट उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि शायद इस पे भी कंपनी का कोई प्लान है जो शायद फरवरी के एंड तक बताया जा सकता है, या फिर आप यामा MT15 को एक्सचेंज करा के न्यू वाले ले सकते हैं, और तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। सिक्स एंड लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, यामा MT15 के एक्सपेक्ट्स के बारे में। तो आपको इस बाइक में 155 सीसी का सिंगल सरेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4-वेयर VS6 FI इंजन देखने को मिलता है, और इस बाइक में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जो 10,000 RPM पे 18.5 PS का पावर और 8,500 RPM पे 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है आपको इस बाइक में। 10 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है, डुअल डिस्क का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको इसमें सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे यामा MT15 पे जो न्यू कलर वेरिएंट अब आया हुआ है, 11 न्यू कलर वेरिएंट, उसके बारे में ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने डिटेल्स में अभी तक इस पे कोई ऐसा वीडियो नहीं आया जितने आसान और जितने तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके भी फ्रेंड को ये पता चल जाए कि आपको यामा MT15 में उनको ये कितने कलर मिल सकते हैं और अपने हिसाब से अपग्रेड करा सकते हैं, आफ्टर मार्केट आपको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।